दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 6 विकेट और पूरी इंग्लैंड की टीम को किया चलता। तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने आईसीसी से करी बड़ी मांग और लगाया रोहित बुमराह पर इल्जाम, जो कहा वो सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो दोस्तों आखिरकार क्या बोले बेन स्टोक्स इंग्लैंड टीम के कप्तान और रोहित बुमराह पर जो कहा है वो तो सुने बिना एक भी भारतीय यहां से जाइएगा नहीं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बेन स्टोक्स और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन सफलतापूर्वक खेला जा चुका है और दोस्तों दूसरा दिन पूरा ही भारत के नाम हुआ। दरअसल दोस्तों इस मैच की जब शुरुआत हुई तब यशस्वी जायसवाल 179 रन पर खेल रहे थे और उनका साथ रविचंद्रन अश्विन निभा रहे थे। लेकिन यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन मात्र 20 रन बनाकर ही आउट हुए। लेकिन इस बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना दोहरा शतक पूरा किया और उन्होंने भारत के लिए 190 गेंदों में 19 चौके और 7 छक्कों की बदौलत 209 रन बनाए। हालांकि उनको जेम्स एंडरसन ने जॉनी बेस्ट्रो के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल के आउट जाने के बाद मैदान पर उतरे जसप्रीत बुमराह, जहाँ कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के बीच साझेदारी तो आगे बढ़ी नहीं क्योंकि 8 और 6 रन ये बना पाए। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम 396 रन के कुल स्कोर पर ही अपने 10 विकेट गंवा चुकी थी। अब दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों ने तो अपना कमाल का प्रदर्शन दिखा दिया, लेकिन अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की इस मैदान पर इंग्लैंड की टीम को धूल चटाने की। अब जब 396 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम उतरी तो यहाँ पर जैक क्रॉली और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों को बस यही उम्मीद लग रही थी कि किसी भी तरह से बड़ा स्कोर बना दे कम से कम ओवर में। लेकिन यहाँ पर बेन डकेट को शायद इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कुलदीप यादव अगर उनके पीछे पड़े हैं तो वो यहाँ उनका विकेट चटका कर ही मानेंगे। यहाँ पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट को कुलदीप यादव ने रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवाया और 21 रन की पारी बेन डकेट की यही समाप्त हुई। तो वहीं उनके आउट हो जाने के बाद उतरे ओली पॉप, जहाँ जैक क्रॉली और ओली पॉप के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही जैक क्रॉली भी अपना विकेट गंवा बैठे, जो की 76 रन बनाकर आउट हुए और अक्षर पटेल ने उनका विकेट गिराया। लेकिन यहाँ पर जो रूट मात्र 5 रन बनाकर ही जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल हासिल किया, वो भी मात्र 13.2 ओवर के भीतर। तो वहीं 3 विकेट कुलदीप यादव के भी नाम रहे। हालांकि दोस्तों अब आप सभी तो जानते हैं कि अगर इंग्लैंड की टीम जो कि पहले दिन पूरी बल्लेबाजी करवा कर आई और अब दूसरे दिन बल्लेबाजी कर भी नहीं सकी और भारत की दोबारा से बल्लेबाजी आ गई तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा। और 171 रन की बढ़त भी भारत के पास हो चुकी है, इसलिए बेन स्टोक्स कप्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम पर ही कई बड़े इल्जाम लगा डाले और भारतीय स्पिनर गेंदबाज तेज गेंदबाज को दोषी ठहराते हुए वो बोले, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो पिच है वो भारतीय गेंदबाजों ने अपने हिसाब से बनवाई है। यहाँ इन खिलाड़ियों को पता है कि किस दरार पर गेंद फेंक कर मारनी है जिससे कि गेंद नीची रह जाए। मुझे जब आउट किया गया तब मैं गेंद को समझ ही नहीं पाया कि वो ऊपर उड़कर आएगी या फिर नीचे रह जाएगी, लेकिन वो गेंद नीचे रह गई जिसकी वजह से मैं आउट हुआ। हालांकि अगर आप पहले से इस पिच को देखे नहीं है तो आप ऐसी गेंदबाजी कभी जिंदगी में करवा ही नहीं सकते। जसप्रीत बुमराह ने 100% यहाँ पर कुछ गड़बड़ की थी जिसके चलते मेरा विकेट गिरा और बस मेरा ही एक सबूत नहीं है भारत के खिलाफ, मेरे पास कई बड़े सबूत हैं जिन पर आईसीसी को जरूर एक्शन लेना चाहिए और हो सके तो इस भारत की टीम पर प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। और अब हम वादा करते हैं कि दूसरा टेस्ट मुकाबला तो खेल ले रहे हैं, लेकिन अगर आगे तीसरे टेस्ट मैच में भी यही सब रहा तो हम भारत के लिए एक भी मुकाबला यहाँ से खेलेंगे नहीं और अपने स्वदेश वापस लौट जाएंगे क्योंकि भारत बेईमान टीम है। तो दोस्तों यहाँ पर बेन स्टोक्स ने तो भारतीय क्रिकेट टीम पर इल्जाम लगाते हुए यह कह डाला कि भारत के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और यहाँ तक कि स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव मिलकर गेंद के साथ छेड़छानी कर रहे हैं और तभी स्पिन गेंदबाज और तेज गेंदबाज इतनी मदद पा रहे हैं इस विकेट से, वरना असली गेंदबाजी अगर कोई करवाए तो ये गेंद बस बल्लेबाजों के बल्ले पर आनी चाहिए, ना कि गेंदबाजों को मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बेन स्टोक्स का यह बयान सुनने के बाद तो हमारे भी होश उड़ गए कि आखिरकार एक दूसरी टीम का कप्तान हमारे कप्तान के ऊपर ऐसा कैसे कह सकता है। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि बेन स्टोक्स ने जो कहा है वो सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।